लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा वक्त भी आएगा कि रिश्ते नाते सब बेगाने हो जाएंगे। कोरोना काल ने यह साबित कर दिया है। कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं कि परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। ऐसे ही कोरोना योद्धा आगे आकर सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आमतौर पर हम ऐसी खबरें नहीं दिखाते हैं, लेकिन आपको ये जान लेना जरूरी है कि कोरोना ने इंसानी रिश्तों को इस कदर बेगाना बना दिया कि माँ बाप भाई बहन पत्नी जैसे घनिष्ठ रिश्ते भी खत्म होते जा रहे हैं। रिम्स की नर्सें बताती हैं कि कोरोना संक्रमित मरीज अपने रिश्तेदार से बात करने के लिए दिन रात तड़पते हैं, लेकिन कोई पूछता भी नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि मौत हो जाने पर उम्र भर साथ चलने का दावा करने वाले सबसे करीबी रिश्तेदार लाश को देखने तक नहीं आ रहे हैं। दो दिन हम लोग इंतजार करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सूचना दे देते हैं रामरेखा मैडम को कि इसका कोई परिजन नहीं आ रहा है। मैडम ऐसे फिर लाइन अप करती है, फिर उसके बाद वो हम लोगों को फिर बोलती है कि इसको अंतिम संस्कार करना है। तो फिर हम राजू राम है, एक मेरा नाम दीपक राम है, ये राजू राम है, और हम लोग दोनों को जाते हैं, और एक मुरारी मंडल भी है जो हम लोग जाते हैं, और जाकर के उसका नियम धर्म के साथ जितना हम लोग से होता है शॉर्टकट में नियम धर्म हम लोग कर धर के उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। जैसे कि हम लोग ऑर्डर मिलने पर हम मुक्ति धाम ले जाते हैं, वहाँ उसका अंतिम संस्कार करते हैं अच्छे से जो हम लोग से हो जाता है, कि इसका भी जो घर रहे परिवार अच्छे से रहे, जो होना तो सही इसका हो। दुख बहुत होता है कि एक गार्जियन बिछड़ जाने से कैसा महसूस होता होगा वो लोग। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में कोरोना से रांची समेत दूसरे जिलों के रहने वाले 30 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इनमें से 6 शव ऐसे निकले जिसे उनके रिश्तेदारों ने ही ठुकरा दिया। अंत में जिला प्रशासन की टीम ने परिजन की भूमिका निभाते हुए अंतिम संस्कार किया। बहुत सारे ऐसा परिजन आया है जो अपने फादर का बॉडी भी नहीं छुआ, यानी कि हम लोग उनको किट भी दिए हैं 3-4 आदमी को, लेकिन किट वापस कर दिया। अब बोले कि नहीं वो तो चले गए कोरोना से, आप लोग हम लोग को भी मरने के लिए बोल रहे हैं। अपनों के इंतजार में कई संक्रमितों का शव सप्ताह से लेकर 10 दिनों तक शव गृह में पड़ा रहा, लेकिन उनका कोई अपना अंतिम संस्कार के लिए नहीं आया। ऐसे में रिम्स के शव वाहक और एम्बुलेंस इंचार्ज के योगदान से कोरोना से हुए मौत के बाद मृतकों का ससम्मान अंतिम संस्कार किया गया। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट।